Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। आपका स्वागत है बीजेपी में और कांग्रेस में। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गुजरात में बीजेपी पार्टी है और कांग्रेस भी पार्टी, और दो चेहरे ऐसे हैं जो गुजरात में देखे जा रहे हैं कि यही इन दोनों में से गुजरात की सत्ता पर काबिज होगा। लेकिन गुजरात की सत्ता पर कौन काबिज होगा, ये शायद आप देख चुके हैं यूपी के चुनाव से, क्योंकि यूपी का चुनाव कहीं ना कहीं गुजरात चुनाव पर असर डालेगा। और कहते हैं कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस का अस्तित्व ही नहीं बचा है। क्योंकि इसलिए कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने एक कांग्रेस को लेकर दम भरा था, एक कदम बहुत बड़ा बढ़ाया था गुजरात चुनाव से, उन्होंने सोचा था कि कांग्रेस के दिन अब अच्छे आ गए। वैसे बीजेपी के अच्छे दिन थे लेकिन कांग्रेस के अच्छे दिन आ ही गए थे, लेकिन यूपी चुनाव को देखते हुए फिर से लगने लगा है कि कांग्रेस के अच्छे दिन नहीं आए हैं। गुजरात चुनाव में की बात तो छोड़ दीजिए, यूपी चुनाव का अगर देखेंगे, अमेठी एक ऐसा था जो परंपरागत सत्ता में, यह कहें कि सांसदी था, वो विरासत में मिल गई थी गांधी परिवार की, यूँ कहें कि सोनिया गांधी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के जो थी वो झोली में हमेशा आ जाती थी। लेकिन इस बीच देखने को मिला है कि अमेठी में भी नगर निकाय चुनाव में यूपी के इतनी बुरी शिकस्त मिली है कि कहीं ना कहीं गुजरात की सोचना बंद करके अब राहुल गांधी को कांग्रेस के बारे में सोचना चाहिए कि अब कांग्रेस का क्या होगा। क्योंकि गुजरात चुनाव में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी फजीहत होने वाली है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस की एक सांसें देने का या फिर ऑक्सीजन देने का काम किया था, और जिस तरीके से एक सांस ऑक्सीजन के जरिए कांग्रेस में एक नई ऊर्जा विद्यमान हुई थी, और वही ऊर्जा अब यूपी नगर निकाय चुनाव में डाउन हो गई। और ये सीधा संदेश गया है गुजरात में, गुजरात की जनता के बीच कि राहुल गांधी के गढ़ में कांग्रेस हार गई है, बीजेपी जीत गई है, और पूरे यूपी में बीजेपी का दबदबा रहा है और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। तो ये संदेश गुजरात की जनता के बीच चला गया है। अब गुजरात की जनता का सोचना क्या है? गुजरात की जनता कहीं ना कहीं सोच रही होगी कि जब कांग्रेस यूपी में नहीं जीत पाई, अपने गढ़ में अमेठी में नहीं जीत पाई, तो गुजरात में कैसे जीत पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं खामियां हैं कि जिस तरीके से कांग्रेस ने यूपी को, पूरे देश को नज़रअंदाज किया है, वही जनता अब जाके जवाब दे रही है। लेकिन बीजेपी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, लेकिन ईवीएम में गड़बड़ी कैसे हो सकती है? अगर इस नज़र से भी देखें कि ईवीएम में अगर गड़बड़ी होती तो पंजाब जैसे राज्य में अगर चुनाव हुआ है तो वहाँ भी बीजेपी को जीत हासिल करनी चाहिए थी। अगर ईवीएम में इतनी गड़बड़ी होती है तो कांग्रेस ने फिर इसका श्रेय लेना चाहिए, क्योंकि इससे 2014 के पहले कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस सरकार को टेक्निकल जो सत्ता में थी तो उसको इस चीज़ का बहुत बड़ा वो मिलना चाहिए फ़ायदा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से जान सकती है क्योंकि वो सत्ता में थी। तो 2014 में वो लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं जीत पाई अगर ईवीएम में इतनी ही गड़बड़ी थी? क्योंकि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर राजनीति का हिस्से में इस तरफ अगर आप किसी पार्टी को बुरा कहेंगे तो दूसरे पहलू में भी आप बुरे हैं। लेकिन जिस तरीके से आपको मैं बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को पहले ही नकार चुकी है,
जनता जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को पहले ही नकार चुकी है, फिर भी कांग्रेस पार्टी के गुमान है कि उनका जनाधार बचा हुआ। यूपी नगर निगम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के हर्ष का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राहुल गांधी के गढ़ अमेठी में भी कांग्रेस पार्टी अपनी लाज नहीं बचा पाई। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी गुजरात में राज करने का सपना देखती है तो इसे अपराध ही माना जाएगा। जो राहुल गांधी अपने गढ़ को नहीं बचा पाए वो भूल कैसे गुजरात जीत सकते, इस बात का जवाब राहुल गांधी उनके सलाहकार हैं देश की जनता को जरूर देना चाहिए। वैसे कहा जाता है कि यही कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी को फजीहत से बचना है तो गुजरात चुनाव से उनको वापसी का टिकट कटवा लेना चाहिए। देखिए बहुत बड़ी ये खबर है क्योंकि अगर गुजरात चुनाव में राहुल गांधी का बुरा हाल हुआ तो उससे पहले अगर राहुल गांधी को आकलन करना चाहिए कि कहीं अगर गुजरात चुनाव में कांग्रेस नहीं जीत पाती है तो उनको पहले से अपना टिकट कटवा के अपने घर पर बैठना चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस गुजरात में नहीं जीत पाती है तो बहुत बड़ी फजीहत हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है कि गुजरात में कांग्रेस ने, क्योंकि अहमद पटेल के राज्यसभा जाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई थी कांग्रेस, उसको लगने लगा था कि गुजरात में अब वो सत्ता ला सकती है और नरेंद्र मोदी की जो की सरकार या बीजेपी की सरकार जो दो दशक से थी उसका रिकॉर्ड तोड़ करके कांग्रेस सत्ता पर काबिज हो जाएगी। लेकिन यूपी के चुनाव के बाद ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी को टिकट कटवा लेना चाहिए और अपने घर जाके बैठना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी फजीहत हो सकती है अगर राहुल गांधी जी हारते हैं या कांग्रेस हारती है। यह और अगर बीजेपी की बात करोगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही है, क्योंकि हार्दिक पटेल, जिग्नेश बेवानी और अल्पेश ठाकुर, हार्दिक पटेल ये खेमा है जो राहुल गांधी के पक्ष में है और वो चाहेगा कि हार्दिक पटेल का जो खेमा है, जो जिग्नेश मेवानी का, जो अल्पेश ठाकुर का खेमा है वो कांग्रेस को ही वोट दे और कांग्रेस का कहीं ना कहीं वोट कांग्रेस के हिस्से में इनका वोट आएगा। अगर इनका वोट कांग्रेस के हिस्से में आता है तो बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा, ये सोचने वाली बात है। लेकिन बीजेपी अभी हारी नहीं है, क्योंकि अभी जिस तरीके से 27 नवंबर से पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से उन्हीं के कहा जाता है कि जिस तरीके से कटाक्ष कांग्रेस ने किए थे, चाहे वो चाय वाला को लेकर के हो, चाहे वो जीएसटी को लेकर के हो, चाहे वो हाफिज सईद के ट्वीट को लेकर के हो, क्योंकि राहुल गांधी ने कई ऐसे ट्वीट किए थे, तो उन्हीं का जवाब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था कि कांग्रेस पार्टी गरीब आदमी से चढ़ती है, या फिर यूं कहें कि मैं गरीब हूं, चाय वाला हूं, इसलिए कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है मेरा प्रधानमंत्री बनना। और ये कटाक्ष चाय वाला को लेकर के जिस तरीके से खबरों में आ रहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है और ब्रिटेन के जो राष्ट्रपति है वो, और उनके बीच जो एक सोशल मीडिया पर एक तस्वीर आई थी उसमें चाय वाला को लेकर के बहुत सारी बातें की गई थी, उसी को आड़े हाथों प्रधानमंत्री मोदी ने ले लिया था। और यही बहुत बड़ी गलती रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो उपाध्यक्ष राहुल गांधी कहीं ना कहीं अपने आइडिया में फंसते हुए नज़र आ जाते हैं और वही जो है वो फ़ायदा उठा लेती है बीजेपी। और यही है कि गुजरात के अंदर बीजेपी लगातार कांग्रेस के आड़े हाथों लेकर के और लगातार बीजेपी की फजीहत जो कांग्रेस की फजीहत है वो करने में लगी हुई है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कोई शक नहीं है, देख खबरों में आया है कि इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी की छवि को बनाने में दिन रात एक किए हुए है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर राहुल की ओर से जबरदस्त फील्डिंग और बैटिंग की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर होने वाली आक्रामकता और वोटिंग में जमीन आसमान का फ़र्क होता है। बिल्कुल सही बात है कि सोशल मीडिया पर आप कितना भी प्रयास कर लीजिए, कितना भी आप पोस्ट कर लीजिए या फिर कितने भी बीजेपी के विपक्ष में या फिर कटाक्ष कर लीजिए, लेकिन वोटर बहुत होशियार है गुजरात का या फिर पूरे हिंदुस्तान का, वो वोट के दिन ही डिसाइड करता है कि किस तरीके से मुझे जवाब देना है। वही चीज़ देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं यूपी में एक साल के भीतर ही दो बार कांग्रेस की बुरी तरह फजीहत हो चुकी है, फिर भी न जाने क्यों बात कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को समक्ष समझ में नहीं आ रही है। अगर हम सिर्फ गुजरात की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने अभी दो महीने के भीतर
ही अपना प्रचार तेज किया है, जबकि इससे पहले पार्टी ने नेता ठंडे बस्ते में पड़े हुए थे। अहमद पटेल के राज्यसभा इलेक्शन के बाद कांग्रेस ने गुजरात में तेजी दिखाई, जबकि शंकर सिंह बघेला कब से चिल्ला रहे थे कि गुजरात में पार्टी को ताकत झोंक देनी चाहिए। देखिए, शंकर सिंह बघेला जो है कांग्रेस में थे, अभी बीते दिनों वो कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना ली है। उन्होंने पहले ही ये संकेत दिया था कि कांग्रेस पार्टी को गुजरात में अपनी पकड़ बना लेनी चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात में नहीं है सत्ता पर, वो केंद्र में है। अगर चाहती तो गुजरात में कांग्रेस बहुत अच्छे से पकड़ बना सकती थी, लेकिन वो पकड़ नहीं बना पा रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो बस जो लहजा है, जिस तरीके से वो कटाक्ष करते हैं, वो कहीं ना कहीं उसी में फंसते हुए नज़र आते हैं। अब दूसरी बात आ गई है कि यूपी चुनाव का रिजल्ट कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा कांग्रेस को गुजरात में। अब देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस बीजेपी को मात देती है या बीजेपी कांग्रेस को। आप हमारे अपडेट के साथ बने रहिए SPN9 न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।